बेटा इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर थर्ड के जितने भी पॉइंट्स से सारे डिस्कस किए गए हैं, टुडे वी हैव टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ओके? यानी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे उसे डिस्कस करना, यही ना? यस सर। सर ऑल ऑल करते रहे, नहीं तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। डे चलिए ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज में व्हाट यू हैव लर्न्ड, इस पॉइंट में आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है इसके बारे में इन शॉर्ट एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं, ओके? सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप गोट एंड एग, हेंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल्स फाइबर्स। करें बेटा, इन्होंने बताया कि जो सिल्क है वो आप जानते हो पहले से ऑलरेडी कि जो सिल्क है वो सिल्कवर्म से गेन होते हैं या ऑब्टेन होते हैं, एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप गोट एंड याक, हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल्स फाइबर्स, है ना? यही कार्ड है कि जो वूल एंड सिल्क होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स फाइबर्स होते हैं, ओके बेटा? नाउ यस सर, द हेयर्स ऑफ कैमल लैमा एंड अल्पाका आर आल्सो प्रोड्यूस्ड टू यील्ड वूल। ये कैमल लैमा और अल्पाका ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं या कैमल्स हैं, ठीक है, जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये भी ऊन को यील्ड करते हैं, यानी ऊन की पैदावार इनके द्वारा भी की जाती है, ओके? यस सर, यस सर, यस सर। नाउ नेक्स्ट वन इज इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल। भारत में ज्यादातर सही है, भारत में ज्यादातर भेड़ पालन ऊन के लिए ही किया जाता है, ऊन व्यापार से ही संबंधित होने के कारण भारत में ज्यादातर जो भेड़ पालन होता है वो ऊन के लिए ही किया जाता है, फॉर गेटिंग वूल, ओके? शीप हेयर इज शीयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्कोर्ड, सॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पून एंड ओवन टू यील्ड वूल। कह रहे हैं जो शीप हेयर होते हैं यानी कि भेड़ों के बाल होते हैं, उनके स्किन्स के जो हेयर होते हैं उन हेयर को शीयर्ड ऑफ किया जाता है, उनके स्किन से निकाला जाता है कट करके, ओके? देन फ्रॉम द बॉडी स्कोर्ड, स्कोर्ड मींस बेटा स्कोर्ड मींस उनकी धुलाई की जाती है ना? यस सर। सॉर्टेड मींस उसकी छटाई की जाती है, ड्राइड मींस सुखाया जाता है, डाइड मींस उन्हें कलर किया जाता है, स्पून मींस क्या होता है उनको धागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है, देन अगेन एंड ओवन टू यील्ड वूल, और उसके बाद उनकी बुनकर वूल के फॉर्म में तैयार किया जाता है, उन्हें ऊन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है? या ऊन? यस सर। सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ। बेटा कह रहे हैं सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो सिल्क मॉथ के कैटरपिलर्स होते हैं, कैटरपिलर्स और लार्वा के थ्रू तो ही फॉर्म होते हैं कैटरपिलर्स, जो लार्वा हैच होता है थ्रू द एग्स ऑफ कैटरपिलर्स, ठीक है? यानी जो इन कैटरपिलर्स या सिल्क मॉथ के एग्स होते हैं उन्हीं से ये लार्वा हैच होता है और लार्वा के थ्रू ही कैटरपिलर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स, ये सब बात अब पहले से बताया जा चुका है। करें सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं बेटा किसके मेनली किसके बने होते हैं, ये पॉइंट है आपका प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन, यस बेटा, यस सर। Now, करें सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड। करें जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कोकून से निकाले जाते हैं और इनको रील करके सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी रेशमी धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है ना? करें जब नंबर ऑफ कोकून्स को एक साथ रील किया जाता है और उनके रील करने पर क्या होते हैं वो सिल्क थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, है ना? जो कुकून्स के फाइबर्स होते हैं साथ बहुत सारे नंबर ऑफ कुकून्स एक साथ लेकर रील किए जाते हैं और आफ्टर रीलिंग दे कन्वर्ट इनटू सिल्क थ्रेड, ओके? यस यस बेटा। कहना नेक्स्ट पॉइंट इज बीबर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। यस बेटा,
कह रहे हैं बीबर्स जो होते हैं, बुनकर जो होते हैं, इन रेशमी धागों को रेशमी कपड़े बनाने में बुनकर तैयार करते हैं, यानी इन रेशमी धागों को बुनकर रेशमी कपड़े तैयार करते हैं. ओके नाउ एक्सरसाइजेस. अब बात आती है एक्सरसाइजेस के. यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स. ओके बेटा, कह रहे हैं नर्सरी राइम्स को पहले भी देखा होगा, जिसमें इन्होंने कहा है बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. नाउ सेकंड वन इज मैरी हैड अ लिटिल लैम हूज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो. आंसर द फॉलोइंग. व्हिच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. बेटा ब्लैक शीप के कौन से पार्ट से वूल प्राप्त किया जाता है, आपको यहां पे बताना. व्हिच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. आपने कुछ बताएंगे इसके बारे में? आपसे एक मुस्कान yes, करो फाइबर. yes, जो ब्लैक शीप के स्किन्स होते हैं उन्हीं से तो ऊन निकलता है. मेनली जो एब्डोमेन yes, होते हैं और बैक्स होते हैं उनके, यानी जो पीठ और पेट yes, के भाग होते हैं, वही से ऊन प्राप्त किया जाता है. ठीक है, तो आप इसके लिए आंसर क्या राइट करेंगे? व्हिच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप है वूल. Skin of the black sheep have wool, mainly abdomen and mainly at the abdomen back. And back. Okay? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं which part of the black sheep have wool. तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं the skin of the black sheep have wool, mainly at the abdomen and back. At the back. Okay? सर. और जो पेट के कुछ भाग के होते हैं उन भागों पे जो उनकी त्वचा के जो बाल होते हैं वहीं से ऊन प्राप्त किए जाते हैं. ओके यस सर. इसका आंसर आप लोग राइट कर लेंगे. व्हिच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप है वूल. द स्किन ऑफ द ब्लैक शीप है वूल. द स्किन ऑफ द ब्लैक शीप है वूल मेनली एट द एब्डोमेन एंड द बैक. ओके यस सर. नो नो सी ठीक है. व्हाट इज मीन बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. बेटा व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब क्या होता है? द व्हाइट हेयर. बेटा व्हाट इज द मीन सर? व्हाइट सर. व्हाइट हेयर. यस बेटा करेक्ट है. व्हाट इज द मीन बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. कह रहे हैं the meat by the white fleece of the lamb is hairy skins of the sheep. White hairy skins of the sheep. ठीक है? Yes sir. जो hairy skins होते हैं sheep के उन्हीं से मतलब होता है white fleece of the lamb. Okay? Yes sir. Yes sir. बेटा कह रहे हो? यस बेटा. ये हमने पॉइंट डिस्कस किया व्हाट इज द मीन बाय व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. इसमें कह रहे हैं हेयरी स्किन्स ऑफ द शीप व्हिच इज व्हाइट इन कलर इज नोन एज व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. ऐसा भी कह सकते हैं हेयरी स्किन्स ऑफ द शीप व्हिच इज व्हाइट इन कलर इज नोन एज व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. ओके बेटा. सारे लोग वीडियोस क्यों ऑफ कर रखे हो अपना, एक दोनों को छोड़कर? मैं किसी को देखना चाहता हूं तो एक देखने भी नहीं देता हूं. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. बेटा इसमें कह रहे हैं द सिल्क. सॉरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए एंड बी डिस्कस किया गया. व्हिच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. द ब्लीक्स द स्किन ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल मेनली एट द बैक एंड एब्डोमेन. ये आंसर इसके लिए हो गया. क्वेश्चन नंबर बी के लिए हो गया व्हाट इज द मीन बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं द हेयरी स्किन्स ऑफ द शीप व्हिच इज व्हाइट इन कलर इज नोन एज फ्लीस ऑफ द लैम्ब. व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब क्या राइट करेंगे इसके लिए? The hairy skins of the sheep, which is white in color, is known as white fleece of the lamb. Okay? Yes, sir.
Now, question number second. Good, beta. Now, question number second. बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं इसमें द सिल्क वार्म इज अ कैटरपिलर बी नंबर ऑप्शन है बेटा बेटा इसमें कह रहे हैं चलिए ठीक द सिल्क वार्म इज ए ऑप्शन में गिवन है अ कैटरपिलर बी ऑप्शन में गिवन है अ लार्वा Choose the correct option A and B. Sorry, A. First option you given hai, A. Second option is here B. And third option is both A and B. Fourth option is neither A or nor B. Sir, both A and B. Yes, beta. आप जानते हो जो सिल्कवार्म होते हैं वो कैटरपिलर होते हैं बट लार्वा के थ्रू ही फॉर्म होते हैं ठीक है लार्वा ही होता है वो एक प्रकार का So you can say third option is correct. Both A and B. Which option is correct for this? Third. Both A and B. Both A and B. Yes, beta. Now, point number three. Which of the following does not yield wool? बेटा इसमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे ऊल की यील्डिंग नहीं होती है मतलब ऊल ऊन की पैदावार नहीं होती है ऊन प्राप्त नहीं होता बताना आपको याक कैमल गोट ऊली डॉग व्हिच वन इज ऊली डॉग ऊली डॉग आप जानते हो याक के थ्रू भी जो जंगली गायें होती हैं उनके थ्रू भी ऊन के ऑब्टेनिंग होती है कैमल्स के थ्रू भी प्राप्त किया जाता है गोट से भी निकाले जाते हैं पश्मीना गोट ये तमाम तरीके के गोट जो होते हैं पहाड़ी गोट ठीक है मतलब माउंटेन रीजन के जो गोट होते हैं उनसे ऊल की यील्डिंग होती है बट ऊली डॉग एक प्रकार का बहुत घने बालों वाला डॉग होता है लेकिन इनसे किसी भी प्रकार का ऊन प्राप्त नहीं होता घने बालों वाला होता है लेकिन इसके बालों का यूज नहीं किया जाता ऊन बनाने में ठीक है yes, sir. आपने देखा होगा ऐसे उली डॉग होते हैं इनके बाल लटकते रहते हैं पूरे है ना लेकिन इनके बालों का यूज नहीं किया जाता ऊन बनाने में नाउ पॉइंट नंबर फोर व्हाट इज द मीन बाय फॉलोइंग टर्म्स रियरिंग शेयरिंग सेरिकल्चर बेटा इन सब के बारे में डिस्कस किया गया था आपको रियरिंग शेयरिंग एंड सेरिकल्चर रियरिंग मीन्स क्या होता है रेयरिंग में वो सभी प्रोसेस जाते हैं जो भेड़ पालन से संबंधित होते हैं सॉरी भेड़ किसका था भेड़ सीप का था या उसका सिल्क का था रेयरिंग बोलिए आपको ओनली आपको रेयरिंग तो रेयरिंग यहाँ पे रेयरिंग मीन्स होता है पालन और उस पालन से संबंधित वो आप भेड़ पालन भी हो सकता है और सिल्क रेयरिंग भी हो सकता है लेकिन मेनली यहाँ पे सीप रेयरिंग की बात कर रहे हैं ठीक है सेरिकल्चर की बात किया इन्होंने पॉइंट नंबर सेकंड उन्होंने आस्क किया था कि व्हाट इज द मीन बाय सेरिकल्चर तो यहाँ पे कर रहे हैं द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर ओके द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर सॉरी सेरिकल्चर नाउ पॉइंट नंबर रेयरिंग की बात कही है इन्होंने तो रेयरिंग भी बता दे रहे हैं आपको वो सारे देखिए रेयरिंग की बात यहाँ पे किया गया लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली होता क्या रेयरिंग मीन्स रेयरिंग मीन्स क्या होता है हम पालन संबंधित होता है लेकिन इस पालन में क्या होते हैं उनकी रख रखाव देख रेख और उनसे प्राप्त होने वाले जो भी उत्पाद हैं उनका यूज करना इस सब रेयरिंग के प्रोसेस थ्रू रेयरिंग में आता है सब सारे पॉइंट रेयरिंग प्रोसेस के थ्रू ही लिए जाते हैं ओके कह रहे हैं इसमें आप राइट कर सकते हैं
यहाँ पे रेयरिंग के लिए राइट क्या कर सकते हैं बेटा, आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं कुछ अपने तरीके से भी, आप कुछ बताएंगे या मैं ही बताऊं? रेयरिंग मीन्स होता है उनसे पालन से संबंधित होता है, आप उनको रेयर किया जाता है, मतलब पालन ही उनकी की जाती है, किसकी, किसी भी एनिमल्स के, टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दैट, यानी उनके प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए उनके पालन को से संबंधित जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब रेयरिंग प्रोसेस में आती हैं, ठीक है? यस सर, यस सर। यहाँ पे इन्होंने शीप्स आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, यहाँ पे आप कह सकते हैं रेयरिंग मीन्स टू प्रिपेयर शेल्टर, ठीक है, फॉर दैट एनिमल्स टू गिव अस देयर प्रोडक्ट, ओके, एंड इन विच देयर ब्रीडिंग एंड फीडिंग इज इंक्लूडेड, देयर ब्रीडिंग एंड फीडिंग इज इंक्लूडेड, ओके, आप कह सकते हो। मैंने क्या बताया बेटा, रेयरिंग के लिए भी एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या बताया था? रेयरिंग मींस शेल्टर दैट गिव्स, या रेयरिंग मींस टू प्रिपेयर शेल्टर फॉर दैट एनिमल्स, रेयरिंग मींस टू प्रिपेयर शेल्टर फॉर दैट एनिमल्स, ओके, टू गिव अस देयर प्रोडक्ट, या फॉर व्हिच वी ऑब्टेन द प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं नहीं, टू गिव अस their product and in which feeding and breeding also included of that animals, yani kya hota hai unme breeding aur feeding ko bhi include kiya jata hai, unke bharan poshan unke rakh rakhav is sab mein jo yani sare point jo include kiye jate hain rearing process mein aate hain palan mein unke, theek hai, aur unse prapt hone wale jo prapt hone wale utpad hote hain un utpadon ka prayog hum karte hain chahe wo bechne ke liye ya kisi इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, या सेल्फ के लिए यूज करते हैं वो अलग चीज है, उन सब प्रोसेस को मिलाकर रेयरिंग होती है, यानी उनके पालन से संबंधित ही होता है सब कुछ, पालन इसीलिए तो किया जाता है। यस सर, करें। और एक पॉइंट उन्होंने और कोई डिस्कस आस्क किया था, को थर्ड पॉइंट उन्होंने कौन सा आस्क किया था? शेयरिंग, शेयरिंग, ओ ये आपका शेयरिंग है जो कट ऑफ किया जाता है स्किन से, है ना? यस सर, फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इट कॉल्ड शेयरिंग, ये इन्होंने दिया है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, कह रहे हैं जब जो फ्लीस होती है यानी हेयरी स्किन्स होती हैं शीप्स के, उनको जब हटाया जाता है उनकी स्किन के साथ, पतली स्किन के साथ, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? शेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर फोर डिस्कस किया था, व्हाट इज द मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स रेयरिंग शेयरिंग एंड सेरिकल्चर, ठीक है, अब बात आती है पॉइंट नंबर फाइव की, गिवन बिलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल व्हिच आर द मिसिंग स्टेप्स ऐड देम, बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप गिवन है शेयरिंग, कट ऑफ किया जाता है उनके हेयर्स को, उनके स्किन से निकाला जाता है, देन आफ्टर क्या होता है? स्कोरिंग, स्कोरिंग होता है ना, देन आफ्टर क्या होता है? स्कोरिंग, यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो होता है स्कोरिंग होता है, देन थर्ड स्टेप क्या होता है? सॉर्टिंग, तो यहाँ पे गिवन है सॉर्टिंग, आफ्टर दैट क्या होता है बेटा? पिकिंग ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे देखिए सारे स्टेप्स क्लियर किए गए हैं, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया ना हो, यहाँ पे इन्होंने सारे स्टेप्स डिस्कस किए थे, ये शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग, ओके, ये इसके स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग, फोर्थ इज क्लीनिंग ऑफ पर्स, एंड फिफ्थ इज डाइंग, एंड सिक्स्थ इज रोलिंग, ओके? यस सर।
नाउ तो बेटा ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे फिल करने होंगे. यस सर. नाउ पॉइंट नंबर सिक्स, ये आप लोग पॉइंट नंबर सिक्स की बात करते हैं. मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. मेक स्केचेस ऑफ टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. बेटा कह रहे हैं ऐसे टू स्केचेस को ड्रा करना है सिल्क मोथ के लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें वो क्या होते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, यानी रेशम उत्पादन में उनसे डायरेक्ट संबंध हो, सीधा सीधा संपर्क हो. ऐसे फिगर्स को आप स्केच को ड्रा करना है. तो आप जानते हो आप मलबेरी लीव्स पे एक ऐसा स्केच ड्रा कर सकते हो, मलबेरी लीव्स पे उनके लाइंग एग्स को शो कर सकते हो ना, जो अंडे देते हैं उनको शो करते हो, जिनसे वो हैच करके क्या फॉर्म करते हैं लार्वा, मतलब लार्वा निकलता है. वो लार्वा जो कैटरपिलर्स होते हैं ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं. yes, यानी आप उसमें से किसी भी टू स्केच को ड्रा कर दीजिए, सारे ही उसके लाइफ प्रोसेस लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं ना. कोई ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी पॉइंट उसके लाइफ हिस्ट्री से नहीं हो, और सभी प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से ही रिलेट होते हैं बेटा, है ना. ऐसा कुछ नहीं है. yes, यानी आपको क्या करना है उसके सारे फिगर्स ही ड्रा कर लेना, वो ज्यादा बेटर होगा ठीक है. Make sketches up to stages in life history of the silk moth, which are directly related to the production of silk. Now, point number 7. बेटा इन्होंने कहा, out of the following, which are the two terms related to silk production? बेटा इनमें से कह रहे हैं कौन से दो terms हैं जो silk production से संबंधित होते हैं? हैं. तो sericulture तो आपका ही है. और फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर, सिल्विक कल्चर. बेटा इसकी हिंदी मीनिंग देखना होगा मुझे. ये फ्लोरिकल्चर मीन्स क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों को पता है क्या? नो सर. चलिए इस पॉइंट को अभी के लिए लेफ्ट करते हैं. ओके, बाद में डिस्कस करेंगे इसकी, थोड़ी मीनिंग क्लियर हो जाने दीजिए. हिंदी मीनिंग से ही क्लियर हो पाएगा एग्जैक्टली क्या होता है. एक दो पॉइंट्स की हिंदी मीनिंग क्लियर नहीं है. इन्होंने कहा सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्कवॉर्म्स. ये हिंट दिए गए हैं. साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस अल्बा. यस बेटा. देखिए इन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्कवॉर्म्स. जो सिल्क प्रोडक्शन के अंतर्गत मलबेरी लीव्स का की खेती भी डिपेंड करती है कि मलबेरी लीव्स की खेती की जाती है एंड रियरिंग सिल्कवॉर्म और उन पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है. ये सिल्क प्रोडक्शन से ही संबंधित होते हैं. सारे दोनों ही पॉइंट सिल्क प्रोडक्शन के अंतर्गत लिए जाते हैं. और सेकेंड पॉइंट इन्होंने हिंट के लिए दिया था, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस अल्बा. तो बेटा मोरस अल्बा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये मोरी कल्चर जो है पॉइंट नंबर थर्ड, ये भी आपका मोरी कल्चर भी रिलेट होता होगा ठीक है. बिकॉज हम इसमें क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स के कल्टीवेशन को इन्वॉल्व करते हैं और मलबेरी लीव्स के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, मोरी कल्चर. क्या बोलते हैं? मोरी कल्चर. बिकॉज इट्स साइंटिफिक नेम इज मोरस. इसका साइंटिफिक नेम मोरस अल्बा है. तो हम कह सकते हैं मोरी कल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. ओके आल्सो. यस सर. यस सर. नाउ पॉइंट नंबर 8, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड. तो
बेटा इसमें करें स्कोरिंग. फर्स्ट वन इज स्कोरिंग, यानी फर्स्ट पॉइंट गिवन है यहाँ पे स्कोरिंग, और सेकंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट इज स्कोरिंग, सेकंड पॉइंट इज मलबेरी लीव्स, थर्ड इज याक एंड फोर्थ इज कुकून. हियर इन कॉलम सेकंड, फर्स्ट पॉइंट इज ईल्ड सिल्क फाइबर्स, सेकंड बी ऊल ईल्डिंग एनिमल्स, थर्ड इज फूड ऑफ सिल्क वर्म, डी इज रीलिंग एंड ई इज क्लीनिंग ऑफ सियर्ड स्किन. तो बेटा स्कोरिंग में क्या होता है? स्कोरिंग इज रिलेटेड टू क्लीनिंग सियर्ड स्किन. यस बेटा, क्लीनिंग सियर्ड स्किन, क्लीनिंग ऑफ सियर्ड स्किन से ही रिलेट होता है ये स्कोरिंग आपका. ठीक है, यानी इसमें धुलाई की जाती है, जो उनके बालों निकाले हुए बाल होते हैं उनकी धुलाई और सफाई की जाती है, यही स्कोरिंग प्रोसेस होता है. ठीक है, यस सर. नाउ मलबेरी लीव्स, पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे गिवन है बेटा. मलबेरी लीव्स फूड ऑफ सिल्कवॉर्म क्या होता है? जो मलबेरी लीव्स होते हैं फूड ऑफ सिल्कवॉर्म होते हैं. ठीक है, यस सर. मलबेरी में शहतूत होता है क्यों जी? हाँ यस सर, शहतूत ही तो होता है. नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज याक. बेटा याक जानते हो ऊल ईल्डिंग एनिमल होता है. क्या होता है? ईल्डिंग एनिमल्स होता है एक याक, एक प्रकार का जंगली गाय होता है जिससे ऊन, इससे भी ऊन प्राप्त किया जाता है. नाउ कुकून ईल्ड सिल्क फाइबर्स. ओके, ईल्ड ईल्ड सिल्क फाइबर्स. नाउ पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं. गिवन बिलो इज क्रॉस वर्ड पजल, बेस्ड ऑन दिस लेसन यूज हिंट टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद लेटर दैट कंप्लीट द वर्ड्स डाउन. यहाँ पे करें यानी कॉलम वाइज क्या फिल करना रहेगा, इस पजल्स को फिल करने के लिए कॉलम वाइज क्या फिल करेंगे, ये डाउन दिखा रहे हैं. अक्रॉस मीन्स ये रो वाइज की बात कर रहे हैं. चलिए ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने गिवन है यहाँ पे पॉइंट नंबर डी के लिए गिवन है. सॉरी, ये जो फर्स्ट है पॉइंट नंबर डी के लिए गिवन है क्या? थ्रू वॉशिंग, ओह सॉरी ये क्या दिया है, थ्रू वॉशिंग एनिमल फाइबर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. नाउ सेकेंड अक्रॉस में करें कीप्स वार्म. बेटा फर्स्ट में जो वन ए गिवन है इसमें क्या फिल किया जाएगा? जो कीप्स वार्म रखते हैं, यानी किसको वार्म रखते हैं? शीप को वार्म रखते हैं, उनके हेयर्स जो होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? हेयर्स. तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे फर्स्ट वन ए में? हेयर, एच ए आई आर, हेयर. ठीक है, उनके जो बाल होते हैं उनकी त्वचा के, वो उनको गर्म बनाए रखते हैं, ठंडियों में गर्मी भी देते हैं इस कारण वो आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं ठंडे क्षेत्रों में. नाउ पॉइंट नंबर सेकंड ऑफ फर्स्ट इसी का, ठीक है, इट लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवॉर्म्स. तो ये पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे है. मलबेरी क्या राइट करेंगे, फिल करेंगे यहाँ पे मलबेरी. और पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, हैचेस फ्रॉम एग्स ऑफ मोथ, यानी कि ये रेशमी कीड़ों के अंडों से निकलते हैं. लार्वा भी हो सकता है और कैटरपिलर्स भी हो सकते हैं. कहाँ पे है ये? पॉइंट नंबर 3A, ये लास्ट कैटरपिलर यहाँ पे फिल करेंगे. ओके, कैटरपिलर ही निकलते हैं, लार्वा के फॉर्म में कैटरपिलर ही होते हैं. लार्वा के फॉर्म में कौन होते हैं? कैटरपिलर. यानी आपने पॉइंट नंबर ए, वन ए, टू ए एंड थर्ड ए ये फिल किए हैं. नाउ पॉइंट नंबर डी फर्स्ट की आती है, डी वन, वन डी की बात करते हैं. थ्रू वॉशिंग, स्कोर करते हैं ना, स्कोर मतलब वॉशिंग प्रोसेस के भी स्कोर बोलते हैं ना. यस, सी ओ यू आर, एस सी ओ यू आर, स्कोर. ओके, नाउ एनिमल फाइबर. बेटा सेकंड नंबर में कह रहे हैं टू डी में एनिमल फाइबर, आपका सिल्क भी हो सकता है, ऊल भी राइट कर सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देख लेना यहाँ पे क्या लेटर्स आ रहा है उस यहाँ पे, है ना. हमने क्या राइट किया था यहाँ पे? हेयर, ऊल होगा.
नहीं बेटा वन ए में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऊल वन ए में क्या फिल करेंगे, ऊल, तभी आपका ये सिल्क, सिल्क यहाँ पे फिल किया जाएगा। उसके बाद टू डी में क्या फिल करेंगे, सिल्क, ओके सिल्क, यस सर। और यहाँ पे वन ए में फिल करेंगे ऊल, हेयर ही तो होता है ऊल, मैंने हेयर फिल कराया था, बट ऊल कर लीजिए वो सेट हो रहा है यहाँ पे, ओके लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्री डी, यानी ये क्या होता है, कुकुम, नो फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर, ओके बेटा, यस सर। एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट पहली है, ये कुछ भी ये भी जानना चाहती हैं, ठीक है। पहली वांट टू नो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सिल्क थ्रेड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कुकून, तो ये आप लोग सर्च करना, देन आफ्टर इनकी जो जिज्ञासा है यानी इनकी क्यूरियोसिटी को आप शांत करेंगे, ओके। पहली की जो क्यूरियोसिटी है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है कुकून की, ये पहले जानना चाहती हैं, फाइंड आउट फॉर हर। इन्होंने भी वही कहा है कि इसकी मदद कीजिए, इसके लिए जानिए, वो जो वांट टू नो व्हाई कैटरपिलर नीड टू सेट देयर स्किन व्हेन दे ग्रो बिगर बट बी ह्यूमंस डू नॉट। बेटा कह रहे हैं ये कैटरपिलर्स क्यों अपने स्किन को छोड़ देते हैं, जबकि जो मानव बड़े होते हैं, जब मनुष्य बड़ा होता है तो ऐसा नहीं करता, वो अपने स्किन को नहीं छोड़ता है ना। स्किन छोड़ने का मतलब नहीं, सॉरी, यहाँ पे सेट देयर स्किन मतलब उसी की छांव में यानी उसी के नेट में वो कैसे सरवाइव करता है, जबकि मानो ऐसा क्यों नहीं कर पाता, ये जानना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब इनके बॉडी से लगातार लार्वा सिक्रेशन होता है, जो क्या फॉर्म कर लेते हैं इनके चारों तरफ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ओके। डू यू एनी हैव एनी आइडिया, यस वी हैव आइडिया, मुझे वांट टू नो व्हाई कैटरपिलर्स शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स। बेटा बेयर हैंड्स मींस क्या होता होगा, आपको पता है कुछ आइडिया है इसके बारे में, बेयर हैंड्स, चले ठीक है, हम मुझे लग रहा है, मुझे वांट टू नो व्हाई कैटरपिलर्स शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स। बेटा इसमें बेयर हैंड्स की बात कर रहे हैं कि हम उनको कॉन्शियसनेस के साथ ना लेते हुए ऐसे डायरेक्टली उठा लें, कहीं भी ले जाकर रख दें, ये इनका बेयर हैंड से मीनिंग है, इसका थीम जो है बेयर हैंड से मतलब कि उनको सावधानी पूर्वक ना उठाया जाए, ऐसा मतलब सावधानी पूर्वक ना करें तो ऐसा मतलब उनको करें नहीं करना चाहिए, सॉरी, शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स, उनको हमें असावधानी पूर्वक हैंडल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो उनके एग्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हैच हो जाएंगे, है ना, टूट जाएंगे, और जो रिप्रोडक्शन होता है होना चाहिए उनका, वो उतने स्तर पर नहीं हो पाएगा जितने स्तर पर होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो ये सब पॉइंट एक्टिविटीज के हैं, पहली वन टू बाई सिल्क थ्रेड, ये सब है, और आपने मुझे लग रहा है जितने भी पॉइंट थे डिस्कस किया जा चुके हैं, ठीक है, आपका एक्सरसाइज से मेन पॉइंट जो था वो डिस्कस किया जा चुका है, इट मींस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3, ओके। यस सर। इसके बेटा आप लोग प्लीज इसकी मीनिंग जो है वो राइट करके शो कर देना, मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं आप रिएक्ट नहीं करता, बट देखता हूँ आप लोग वर्क करते हैं तो देखता हूँ उसको, ठीक है, आप लोग इसकी मीनिंग राइट करके जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं कर लेना, अगर किसी में प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट डे आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपका होता है, ओके, बाय एवरीवन। ओके बेटा, ये कहाँ चला गया, ये इंडिया।